नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कॉल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भी आपको हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती है तब भी आप अपने सिस्टम में हिंदी में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए डिस्प्ले पे, जैसे कि मैंने इंग्लिश में लिखा और मेरा हिंदी में टाइप हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि तीन चीज़ें आपको रखनी है। आपको सबसे पहले हिंदी फॉन्ट से इंटरनेट से डाउनलोड करना है। गूगल पे आप जाके अगर हिंदी फॉन्ट डाउनलोड लिखोगे तो आपके बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, उससे आप हिंदी फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इनपुट हिंदी इनपुट टूल, ये एक छोटी सी ड्राइवर है जो इंग्लिश को हिंदी में टाइप करने में आपकी मदद करेगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इंस्टॉल करते हो तो ये क्या करता है कि इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम के अंदर डॉट नेट फ्रेमवर्क 2.0 जीरो या इससे अपर वर्जन का आप डॉट नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड कीजिए और उसको सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए। पहले आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हिंदी इनपुट इंस्टॉल कीजिए। और आपको हिंदी फॉन्ट क्या करने हैं, हिंदी फॉन्ट आपके क्या करने हैं, आपके माय कंप्यूटर के अंदर आप सी ड्राइव में जाओगे। सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर एक फॉन्ट नाम का फोल्डर होता है। आप वहाँ इन चीज़ों को इनको हिंदी फॉन्ट जो आपने डाउनलोड किए वो पेस्ट कीजिएगा। हिंदी फॉन्ट कौन से आपको डाउनलोड करने हैं, जैसे कुर्ती देव 10, कुर्ती देव 20, कुर्ती देव 100 और कुर्ती देव 110 रेगुलर। ये तीन चार तरीके के आपको फॉन्ट जो रेगुलर बेस पे सिस्टम में यूज़ करते हैं वो आपको गूगल से या इंटरनेट से आप इंस्टॉल डाउनलोड करके पेस्ट कर दीजिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब माई कंप्यूटर में जाते हैं, सी ड्राइव के आपको जाना है, फिर विंडोज़ पे आपको क्लिक करना है। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद में देखिए फॉन्ट नाम का एक फोल्डर है, बस आपको क्या करना है वो जिप फाइल होगी उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको डायरेक्ट यहाँ फॉन्ट पेस्ट करना है। उसके बाद आपको जो आपने गूगल इनपुट हिंदी इनपुट टूल आपने जो डाउनलोड किया था और डॉट नेट फ्रेमवर्क जो आपने डाउनलोड किया था उसको सिस्टम में इंस्टॉल करना है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाए तो एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिएगा। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद में आपको करना है क्या है कि देखिएगा डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे कि जो सिस्टम का डेट एंड टाइम आता है उसके पास में एक ऑप्शन आएगा आपका लैंग्वेज का। उस लैंग्वेज में आपको इंग्लिश हिंदी देवनागरी, ये देवनागरी क्या है, अगर आपको प्रॉपर हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो अगर आती है तो आप इसे यूज़ कीजिए। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आपको क्या करना है, हिंदी माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज टूल को आपको यूज़ करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो और आप टाइप करेंगे तो आप इंग्लिश में कुछ भी लिखिए वो आपका हिंदी में ही प्रेस होगा। जैसे मैं कहाँ जा रहा मैं कहाँ कहाँ तो इस तरीके से आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप धन्यवाद। थैंक यू दोस्त।